छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे अजीत जोगी ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तकरीबन 20 दिनों से कोमा में रहने के बाद दोबारा उनकी हालत बिगड़ी थी। ढाई करोड़ से ज्यादा आबादी के बाद एक मध्य आकार वाला राज्य जो साल 2000 में मध्य प्रदेश से निकला। राजनीति के धुरंधरों में गिने जाने वालों में से एक अजीत प्रमोद कुमार जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी को सपनों का सौदागर भी कहा जाता था और खुद अजीत जोगी ने अपने आप को सपनों का सौदागर बताया था। ये बात साल 2000 की है जब अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचता हूँ। वो साल 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवारत रहे, लेकिन 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी को हार का सामना करना पड़ा। फिर 2008 और 2013 में भी उनको हार मिली। राज्य के चुनाव के अलावा वो संसद के दोनों सदनों में भी हिस्सा रहे और अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में काफी चुनौतियों का सामना भी किया था। 1986 से 1998 के बीच दो बार राज्यसभा से सांसद चुने गए। 1998 में वो रायगढ़ के सांसद चुने गए। 1998 से 2000 के बीच वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2000 से 2003 के बीच राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे। 2004 से 2008 के बीच वो 14वें लोकसभा के सांसद रहे। 2008 में वो मरवाही विधानसभा सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे और 2009 के लोकसभा चुनाव में चुने जाने के बाद जोगी ने लोकसभा सदस्य छत्तीसगढ़ के महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र के रूप में काम किया। हालांकि जोगी 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट बरकरार रखने में असफल रहे और बीजेपी के चंदूलाल साहू से 133 मतों से हार गए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस मुख्य खिलाड़ी रही। ऐसे में अजीत जोगी ने जनता को दूसरा विकल्प देने का सोचा और कांग्रेस को अलविदा कहकर साल 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी यानी JCCJ के नाम से अपनी नई पार्टी बनाई, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। बाद में बसपा के साथ गठबंधन किया लेकिन वो भी फ्लॉप साबित हुआ। फिलहाल अजीत जोगी मरवाही विधानसभा से विधायक थे। न्यूज़ डेस्क।